हेलो दोस्तों, मेरा आज फिर से न्यू वीडियो है कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि ऑनेस्टी को 5132468 के रूप में लिखा जाता है और POVERTY पॉवर्टी को 7192068 के रूप में, तो हॉर्स को किस रूप में कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वन है 50124, ऑप्शन टू है 5104, ऑप्शन थ्री 5104 और ऑप्शन फोर 52014। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम HONESTY ऑनेस्टी को लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर ऑनेस्टी को हम सबके नीचे पहले एरो दे दें, ठीक है, अगर हम लिखते हैं 5 1 n का 3 e का 2, फिर s का 4 और t का 6 और y का 8, ठीक है दोस्तों, तो लिखा जाता है, तो अगर तो फर्स्ट है हमारा, ठीक है, और अगर हम पॉवर्टी को POVERTY पॉवर्टी को अगर हम एरो सभी के नीचे एरो करते हैं तो हमको कितना आएगा, देखिए दोस्तों, अगर हम P को 7, O को 1, V को 9, E को 2, R को 0 और T को 6 और Y को 8 करते हैं, ये हमारा सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तो आप अगर कह सकते हैं कि हमारा ऑर्स का क्या होगा, तो ये देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है, हमारा क्या है सॉल्यूशन, क्या होगा कि अगर हमारा हॉर्स, HORS और ई हॉर्स है, सबके नीचे एरो लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, और अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, तो अब हमें क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है, तो ऑप्शन हॉर्स है, तो हॉर्स का हमें, देखिए हॉर्स का कोई कोड वर्ड नहीं है दोस्तों, हॉर्स का देखिए आप, हॉर्स के आगे आपको किसी रूप में कोड वर्ड नहीं लिखा गया, ठीक है, तो अगर हम हॉर्स को, तो आप देखिए एच कहाँ है इस वर्ड में, देखिए पॉवर्टी में है दोस्तों, नहीं ऑनेस्टी में 5 है ये, देखिए तो एच की जगह 5 लिखेंगे, ओ देखिए ओ यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको 1 लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए आर कहाँ है, ऑनेस्टी में आर है दोस्तों, नहीं आर इसमें है, तो ये देखिए 0, ठीक है, एस कहाँ है, तो एस देखिए पॉवर्टी में नहीं है, देखिए लेकिन ऑनेस्टी में ये देखिए 4 पे यहाँ पर है आपका, तो s 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ई कहाँ है आपका, देखिए ई कहाँ है, ई है आपका दोस्तों, ये देखिए ई हो गया 2 में, ठीक है, तो ये देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 सेम है, यहाँ भी 2 सेम, तो दोनों 2 हो गया, ठीक है दोस्तों, तो आपको कितना हो गया, देखिए ऑनेस्टी, ठीक, तो आप ये देख सकते हैं आपका ये थर्ड हो गया यानी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, तो 51042, ठीक है, इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों 5104 कहाँ है, देखिए दोस्तों फर्स्ट में 50124 है, थर्ड में 5104 है, लेकिन देखिए इधर देखिए दोस्तों सेकंड में आपका 5102042 है, यानी आपका सेकंड का ये राइट आंसर है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।